सत श्रीकाल दोस्तों, मैं थोड़ा सबदा अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। दोस्तों असी अज की इस वीडियो दे विच रिक्रूटमेंट के नाल संबंधित लेटेस्ट अपडेट शेयर कर जा रहे हैं, जो कि हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, जो कि सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबॉर्डिनेट कोड SSC इस जो इंप्लॉयमेंट नोटिस है वो अज की तरीक 6 अगस्त 2022 का, और जिस दे विच जो कलर्क दी असामियां दा नोटिफिकेशन कढ़िया गया है। ये जो असामियां तुसी 6 अगस्त 2022 तो अप्लाई कर सकते हो, और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करन दी वो डेट हैगी जी 27 अगस्त 2022 तक अप्लाई कर सकते हो। ये कलर्क दी पोस्ट है जो कि हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ दे विच, और जी सकते हो। जो कलर्क दी असामी है, जो टोटल असामी है वो है जी 759 असामी है, जिस विच जनरल दी 355 और SC ऑफ पंजाब दे विच जो मजहबी सिख एंड बाल्मीकि दी 82 है, और अदर SC दी 83 है, और BC और OBC दी 78 है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड दे विच VH दी जो विजुअल हैंडीकैप्ड है 7 है, और अर्थो हैंडीकैप्ड दी 28 है, और एक्स सर्विसमैन दी 74, और जिस दे विच SC दी 33 है, और BC और OBC दी 19 है, और टोटल असामियां ये जी 759 असामियां दा ये नोटिफिकेशन कढ़िया गया है, और जिस दे विच एज दा जो क्राइटेरिया है वो जनरल कैटागरी दे विच मिनिमम एज 18 साल है, और मैक्सिमम 37 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। SC और पंजाब दे 42 साल तक, BC और OBC ये भी 42 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो वो 47 साल तक अप्लाई कर सकता है, और कोई कैंडिडेट अगर इन सर्विस दे विच है, चाहे वह सेंटर गवर्नमेंट दी चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट दी है, वो 45 ईयर दे तक इन्हां पोस्टां नूं अप्लाई कर सकता है। उस तो बाद इस दे विच जो क्वालिफिकेशन है, इस दे विच चाहिए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस या इक्वलेंट रेकोगनाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी तो ये थोड़ी डिग्री होनी चाहिए है, और इस दे नाल है कि कैंडिडेट ने मैट्रिक दा जो एग्जामिनेशन है उस दे विच पंजाबी एक सब्जेक्ट दे तौर ते पढ़िया होए, पंजाबी एज वन सब्जेक्ट एंड मस्ट हैव प्रोफिशंसी इन द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर दी नॉलेज होनी जरूरी है इस दे विच। उस तो बाद इस दे विच जो फीस स्ट्रक्चर है जनरल कैटेगरी दा, जो टोटल है 825 रुपए, SC BC OBC एक्स सर्विसमैन जो स्टेट ऑफ पंजाब दे है 525 रुपए, और फिजिकल हैंडीकैप्ड दे है 625 रुपए। ये तुहानू फीस जो है वो पे करनी पेगी, और इसका जो प्रोसैस है वो सारा ऑनलाइन रहेगा, और उस तो बाद है जो डेट ऑफ एग्जामीनेशन है, वो डेट ऑफ एग्जामीनेशन इस दी अक्टूबर और नवंबर दी जो दसी गई है इस नोटिफिकेशन दे विच, और मोड ऑफ सिलेक्शन की होएगा इस दे विच एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा जो कि 2 घंटे का रिटन टेस्ट होएगा, और 100 नंबर का रिटन टेस्ट होएगा जिस दे विच जनरल नॉलेज 50 नंबर दी होएगी, और इंग्लिश जो कि ऑब्जेक्टिव 20 नंबर दा, और सब्जेक्टिव जिस दे विच एसे लैटर प्रेसी ट्रांसलेशन है 3 नंबर दी होएगी, और टोटल है थोड़ा जो है 100 नंबर दा पेपर होएगा, और जिस दे विच 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होएगी। उस तो बाद इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर है, और जिस दे विच है कि जो तुहाडी एप्लीकेशन और सबमिट होएगी ऑनलाइन मोड दे विच ही तुसी अप्लाई कर सकते हो, जो कि क्लर्क सबॉर्डिनेट कोर्ट ऑफ पंजाब, और कैंडिडेट सब तो पहला अपनी रजिस्ट्रेशन करेगा, उस तो बाद अपना फॉर्म फिल करेगा, और उस तो बाद जो है वो पेमेंट गेट वे थ्रू अपनी पेमेंट करेगा, और फॉर्म फिल करन तो पहला कुछ मेन इंस्ट्रक्शन है वो तुसी ध्यान च रख सकते हो, जिस दे विच है तुहाडी परसनल डिटेल, वैलिड एक्टिव ईमेल ID होनी चाहिए, वैलिड एंड एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस दे विच तुहानू मैसेज आएगा,
उस तो बाद है ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू तुसी कर सकते हो, स्कैन रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और स्कैंड सिग्नेचर, ये तुहाडे को मेन डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो तुसी अप्लाई करना है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। अगर तुहानू वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।